भैंस के बड़े बड़े सिंग देखकर शेर 5.5 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करता रहता है, लेकिन वह आगे बढ़ने से डरता है। बच्चा भी अपने माँ के पीछे छुपने की पूरी कोशिश करता है। इस माँ की आवाज से बाकी भैंसे वहाँ आती है। ये शेर अचानक इस भैंस पर हमला करता है जिसके साथ उसका बच्चा भी था। ये माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से लड़ने लगती है। भैंस के बड़े बड़े सिंग देखकर शेर 5.5 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करता रहता है, लेकिन वो आगे बढ़ने से डरता है। बच्चा भी अपने माँ के पीछे छुपने की पूरी कोशिश करता है। ये माँ शेर को डराती और बार बार पीछे मुड़कर अपने साथियों को मदद के लिए आवाज लगाती। तभी ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। इस माँ की आवाज से बाकी भैंसे वहाँ आती है। अपने साथियों को देख इस भैंस के अंदर आता है जोश। वह शेर पर हमला करके बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा। शेर को भगाकर वह अपने झुंड की तरफ भागती है। शेर मुंह लटका कर वापस मुड़कर बोलता है, शट यार, अच्छा मौका हाथ से छूट गया, वरना आज नाश्ते का इंतजाम हो जाता। ये शेर देखता है कि नजदीकी कुछ भैंसे घास खा रही थी। भैंसों को देखिए पप्पू नाम का शेर अपने दिमाग में प्लान बनाता है और आगे बढ़ता है। पप्पू नजदीक जाकर एक लकड़ी के पीछे छुपता है। उसे लगा उसे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन हरी घास में इसकी गोल्डन बॉडी आसानी से नजर आती है। भैंसे उसे तुरंत पहचानती है। एक शिला नाम की भैंस आगे आकर बोलती है, हमें पकड़ेगा तू, आजा पकड़ हमें। शिला हिम्मत करके शेर के काफी नजदीक जाती है। शिला का कॉन्फिडेंस देख मुन्नी नाम की दूसरी भैंस के पिछवाड़े में भी बबल उपलने लगते हैं। मुन्नी आगे जाकर बोलती है, मैं भी नहीं डरती, हिम्मत है तो पकड़ के दिखा हमें। भैंसों ने इनडायरेक्टली पप्पू के मर्दानी ताकत को चैलेंज किया। पप्पू भागते हुए बोलता है, तुम्हारी माखी आंख लवड़ी हो, रुको। सारी भैंसे हवा में पूछ लहराते हुए भागने लगती है। तभी पप्पू शिला को पकड़ता है जो ज्यादा शान पट्टी कर रही थी। पप्पू उसके टांगों के बीच से घुसकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। शिला अपने पैरों से पप्पू की गोटी दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना सही जगह नहीं लगता। पप्पू शिला की गर्दन पकड़कर उसे नीचे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन शिला झुकने को तैयार नहीं थी। काफी मशक्कत करने के बाद आखिर पप्पू उसे नीचे गिराता है। शिला नीचे गिरने के बाद भी पप्पू अभी भी उसे चिपका हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ पप्पू का दोस्त आता है। दोस्त बोलता है, अरे टपक गई है, छोड़ इसे। पप्पू बोलता है, मुझे खुले में चैलेंज कर रही थी ये। ये शेर अकेले हाइना पर हमला करता है और उसका रास्ता रोककर उसे वही मारने लगता है। बेचारा हाइना रहम की भीख मांगता है। शेर उसे छोड़ देता है। तभी और दो शेर उस पर टूट पड़ते हैं। एक शेर हाइना की गर्दन पकड़ता है तो दूसरा उसे काटने लगता है। करीब 4.5 मिनट तक वे हाइना को ऐसे ही पकड़े रखते है। तभी इस हाइना को बचाने के लिए वहाँ बाकी हाइना आते है। बाकी हाइना को देख ये शेर इस हाइना को छोड़ देता है। 5 मिनट तक सांस रोकने की कला ने इस हाइना की जान बचाई। अपना साथी जिंदा है ये देख बाकी हाइना एक्टिव मोड में और शेर को डराना धमकाना शुरू करते हैं। शेर बोलता है, अगर हिम्मत है तो पास आओ। ये जख्मी हाइना लंगड़ाते हुए बाकी हाइना की तरफ जाता है। शेर उस पर फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी हाइना जख्मी हाइना और शेर के बीच आते हैं और शेर का रास्ता रोकते हैं। शेर समझ गया कि हाइना की संख्या ज्यादा है, इसलिए वह अपना सारा गुस्सा जमीन पर पैर रगड़कर निकालता है और वापस मुड़ता है। दोस्तों, हाइना की इस एकता को एक लायक तो बनता है।